बिग बॉस में ईशा मालवीय के प्रेजेंट बॉयफ्रेंड की होने वाली है वाइल्ड कार्ड एंट्री। दरअसल बिग बॉस ने लिया है एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि बिग बॉस के घर में ना लग रहा है खबर का तड़का, इसीलिए बिग बॉस चल रहा है सुस्त। छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं और फिर से पैचअप हो जाता है, कोई बड़ा एटम बम तो गिर ही नहीं रहा है। इसीलिए बिग बॉस के मेकर्स ने अब तैयारी कर ली है घर में बड़ा बम फेंकने की, और ये बम गिरने वाला है ईशा मालवीय और अभिषेक के प्यार पर। दरअसल हुआ ये है कि भाई दिवाली का मौका है तो कुछ ना कुछ तो धमाका बनता है, इसी बात को लेकर अब बिग बॉस ने भी अपने बिग बॉस में भी काफ़ी ज़्यादा धमाके होने वाले हैं। हुआ ये है कि पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है किसकी, ईशा मालवीय के बॉयफ्रेंड की। ऐसे में अभिषेक का क्या होगा? दरअसल होगा ये कि ईशा मालवीय का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड जिनका नाम सम्राट है, उन्हें मेकर्स घर में लाने की तैयारी कर चुके हैं। हो सकता है कि इस वीकेंड के बाद ही सम्राट का घर में प्रवेश हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो अगले वीकेंड के बाद हो जाएगा। लेकिन अभी मेकर्स तैयार हो चुके हैं, जहां एक तरफ ईशा मालवीय और अभिषेक जो कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड हैं, इन दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी हो चुकी है। जहां बिग बॉस में एंट्री करते हुए दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े थे, अब वहीं पर अभिषेक ईशा के लिए रोते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि जब ईशा घर के किसी लड़के से बात भी करती है तो अभिषेक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे में ईशा के बॉयफ्रेंड का आना और अभिषेक ईशा के बॉयफ्रेंड और अभिषेक के साथ साथ ईशा को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करने वाली फीलिंग जब आएगी तो घर में ऐसा तहलका मचेगा कि दिवाली से पहले ही फुल चढ़िया और पटाखे तो छूट ही जाएंगे। दरअसल ईशा मालवीय की वजह से सम्राट और अभिषेक के बीच में जो लड़ाई होगी वो देखते ही बनेगी, ताकि मेकर से सोए हुए बिग बॉस 17 में कुछ ना कुछ नया तड़का लगा सके। हाल बिग बॉस के घर में आपको कौन सी जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आती है, और बिग बॉस की लाइव अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।